और चलिए दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा से आगे चल रहे हैं। गोहद की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी केशव आगे चल रहे हैं। भिंड में 1357 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। ये तमाम सीटें हैं जहां का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें दतिया से। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहां से कांग्रेस के प्रवीण पाठक 200 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बहुत छोटा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ा आंकड़ा पूरे मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस के विक्रम मस्ताल पीछे चल रहे हैं, 65,000 वोटों से मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। जौरा से अगर बात की जाए तो जौरा से पंकज उपाध्याय 16,000 मतों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे आगे चल रहे हैं और इमरती देवी पीछे चल रही है। बीजेपी की इमरती देवी अब उनसे कभी पीछे कभी आगे होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब वो पीछे हो गई है शुरुआती रुझानों में। और कांग्रेस से कमलनाथ 72,609 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के विवेक बंटी साहू पीछे चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा आंकड़ा कमलनाथ के सामने है। और गोहद में कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई 2100 मतों से आगे चल रहे हैं। और अगर भिंड की बात की जाए तो भिंड में 1357 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आगे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए ग्वालियर से, तो ग्वालियर से कांग्रेस के प्रवीण पाठक 200 वोटों से आगे चल रहे हैं, सिटिंग विधायक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से 65,000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस के विक्रम मस्ताल बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत लीडिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत की ओर आगे बढ़ते हुए। जौरा से पंकज उपाध्याय 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और डबरा की अगर बात की जाए तो डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे फिर आगे निकल चुके हैं, उन्होंने बीजेपी की इमरती देवी को फिर पछाड़ दिया है, फिर पीछे चल रही है इमरती देवी। इमरती देवी कभी आगे तो कभी पीछे, लेकिन इस बार इमरती देवी पछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस से कमलनाथ 72,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 72,000 सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में। और बीजेपी के बंटी साहू पीछे चल रहे हैं। और गोहद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई 2100 वोटों से आगे है, महज 2100 वोटों से। भिंड की बात की जाए तो 1357 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है भिंड में। दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं, राजेंद्र भारती ने उनको पीछे पछाड़ दिया है। ग्वालियर की बात करेंगे, ग्वालियर से कांग्रेस के प्रवीण पाठक 200 वोटों से आगे और बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 65,000 बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के विक्रम मस्ताल बहुत पीछे हैं। और जौरा से पंकज उपाध्याय 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यह बड़ी लीडिंग है ये। और बात की जाए अगर डबरा की तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे आगे चल रहे हैं। इमरती देवी अब इस बार पिछड़ गई हैं, हालांकि ये रुझान है, नतीजे क्या होंगे देखना होगा। और इसी बीच अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कमलनाथ 72,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ा आंकड़ा है मध्य प्रदेश में। भाजपा के विवेक बंटी साहू पीछे चल रहे हैं। और गोहद की बात की जाए, गोहद से कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई 2100 मतों से आगे चल रहे हैं और भिंड में बीजेपी 1357 वोटों से आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा से आगे चल रहे हैं।